हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध में करेंगे हस्ताक्षर। जालौर जिले में जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी भवन और आहोस स्थित चौधरी छात्रावास में बुधवार को हस्ताक्षर अभियान के जिला प्रभारी कांग्रेस नेता उमेद सिंह तवर ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध हल्ला बोलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जन को परेशान होना पड़ रहा है। किसान विरोधी बिल के विरोध कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को लेकर उन्होंने जिले भर में टास्क दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि 4 नवंबर तक जालौर जिले में 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले की 5 विधानसभाओं में 10,000 लोगों को कार्यकर्ताओं को हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने का निवेदन किया गया है। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, नैन सिंह राजपुरोहित, जुल्फिकर अली भुट्टो, योगेंद्र सिंह कुंपावत, अजीत सिंह देता, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शोभा संदेशा, राजेंद्र सोलंकी, रमेश सोलंकी, भरत सुतार समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं आहोर में सवानाम पटेल, उन सिंह चांदराई, आम सिंह परिहार, लादूराम चौधरी, सरोज चौधरी, लीला राजपूत समेत कई लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।